रतलाम के त्रिवेणी मुक्ति धाम में इस वर्ष भी अनोखी दिवाली का आयोजन किया गया, जहां पर जलती हुई चिताओं के बीच बड़ी संख्या में बच्चों और महिलाओं के साथ दिवाली का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। दीपावली के मौके पर अपनों के बीच खुशियां मनाने का आनंद ही कुछ और होता है, लेकिन शमशान जैसी जगह पर लोग आतिशबाजी करते, दीप जलाकर ढोल बजाकर खुशियां मनाते, उसे आप क्या कहेंगे। ऐसा अनूठा नज़ारा रतलाम जिले के त्रिवेणी मुक्ति धाम में इस वर्ष भी नजर आया। अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान और श्रद्धांजलि प्रकट करने के लिए सैकड़ों परिवार यहां दीपावली मनाने पहुंचे। रतलाम के त्रिवेणी मुक्ति धाम में हर वर्ष रूप चतुर्दशी के दिन अलग ही नज़ारा देखने को मिलता है। रतलाम के मुक्ति धाम में जहां एक ओर तीन चिताएं जल रही थी, वहीं दूसरी ओर सैकड़ों लोग दीप जलाकर आतिशबाजी कर रहे थे। छोटे बच्चों से लेकर महिला और वृद्धजन मुक्ति धाम में दिवाली मनाते नजर आ रहे थे। मुक्ति धाम में दिवाली मनाने की यह अनोखी परंपरा वर्ष 2006 से लगातार जारी है, जिसमें शामिल होने के लिए रतलाम ही नहीं अहमदाबाद, बड़ौदा और मुंबई से भी लोग यहां पहुंचते हैं। शमशान में आमतौर पर महिलाएं और बच्चे जाने से बचते हैं, लेकिन रतलाम के त्रिवेणी मुक्ति धाम में छोटे बच्चे और महिलाएं शमशान में दिवाली मना रहे। यहां पहुंचे बच्चे और महिलाओं का कहना है कि अपने पूर्वजों को दीप दान करने के लिए वह यहाँ आते हैं। शुरुआत में शमशान के नाम से डर लगता था, लेकिन अब दीपावली पर यहां आकर रंगोली बनाना और आतिशबाजी करना अच्छा लगता है। दरअसल पूर्वजों के साथ दिवाली मनाने की यह परंपरा है जो रतलाम में पिछले कुछ वर्षों से प्रचलित हो रही है। यहां लोग मुक्ति धाम को अपने घर की तरह सजाते हैं और रंगोली बनाकर ढोल की थाप पर आतिशबाजी करते हैं। अपने पितरों को याद करके उनके लिए मतलब सब त्यौहार उनके साथ मनाना चाहते हैं जी। आतिशबाजी शमशान के अंदर होती है, किस तरह का दृश्य होता है ये, क्योंकि ये शमशान जैसी जगह पर अच्छा लगता है। यहाँ पे मन को बहुत शांति मिलती है, आने पे बहुत उत्साह भी रहता है, इतना रौनक रहती है यहाँ पे। हर किसी के साथ त्यौहार मनाया जाता है और हम अपने पूर्वजों के साथ मनाते हैं, तो ये किस तरह की परंपरा मानते हैं, इसे धार्मिक दृश्य मना रहे हैं यहाँ से तो अधिकतर आते ही हैं सब। यही से आप रतलाम? हाँ यही। नाम बता दें? नीतू पड़िया। हाँ जी, किस तरीके से अब इसमें और भी लोग जुड़ने लगे हैं और इस जो परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं? प्रेरणा संस्था के माध्यम से 2006 से मुक्ति धाम में आज नरक चौदस के रूप में यम देवता को और पितृ लोगों को दीपदान का आयोजन करते आ रहे हैं। और पहले स्टार्ट में जो है करीब संख्या कम थी, लेकिन आज मेला सा लगने लगा है और लगभग शहर की जनता सारी इस चीज़ को समझने लगी है कि नरक चौदस यानी कि यम देवता और हमारे पूर्वज को खुश करना और उनके बीच में दीपावली करना, ये भी एक अलौकिक और एक आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत अच्छी चीज़ है। आपका नाम बताइए? राकेश मीणा। इसकी ये परंपरा की शुरुआत हुई थी और कितने वर्ष हो गए हैं और किस तरह से यहाँ पर लोगों का उत्साह देखें? ये यम चौदस है आज, जिसको नरक चौदस भी कहते हैं। आज के दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था और यम को दीपदान करते हैं हम यम चौदस के दिन। ये हम 2006 से इस कार्यक्रम को कर रहे हैं और 2006 में हम मात्र 5 व्यक्ति थे और आज एक कारवा सा बन गया, 16 वर्ष हो गए हैं। दीप उत्सव करते हैं, दीप उत्सव जैसे दीपावली अपने घरों में और अन्य संस्थान में बनती है, मंदिरों में बनती है, उसी तरीके से हम रंगोली मना के दीप लगा के और आतिशबाजी करके दीप उत्सव मनाते हैं। गोपाल सोनी, रतलाम, प्रेरणा संस्था का अध्यक्ष।